भगवानपुर विधानसभा में उपचुनाव में पूरी जान लगा देने के बाद भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। हार के बाद बीजेपी जैसे बौखला गई है। हार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने किशोर उपाध्याय को लेकर आपत्तिजनक बयान दे डाला। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि किशोर उपाध्याय भी किसी माँ से पैदा हुए हैं, वो कहीं ऊपर से टपक के नहीं आए हैं। किशोर उपाध्याय अपनी माँ से पूछ ले कि मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ। तीरथ सिंह ने कहा कि किशोर उपाध्याय मोदी जी के चरण छूने लायक तक नहीं है। इतना ही नहीं, तीरथ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस को कुश्ती लड़ने का शौक है तो बीजेपी भी तैयार है। आ जाए अखाड़े में किशोर उपाध्याय और हरीश रावत, हम बाबा रामदेव का अखाड़ा सजा कर रखेंगे। वो भी किसी माँ से पैदा हुए हैं, वो कहीं ऊपर से टपक के नहीं आए, तो वो अपनी माँ से पूछ ले कि मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ। अपनी माँ की कोख से हुए, किसी कोख से हुए, और उस ओहदे पे पहुंचना शायद है कि उनको मैं सोचता हूँ क्या कि उस पांव तक भी नहीं है, मोदी जी के चरण छूने तक भी नहीं है। तीरथ सिंह रावत की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पर यह आपत्तिजनक बयान के बाद किशोर उपाध्याय ने भी तीरथ पर पलटवार किया है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि मैं भाजपा के तर्कों पर तो जवाब दे सकता हूं, लेकिन इस तरह के कुतर्कों पर मैं क्या कहूं। किशोर ने कहा कि मैं तीरथ सिंह रावत का सम्मान करता हूं, माँ सबकी होती है और मैंने तो माँ को प्रणाम किया। मोदी जी की माँ के बारे में मैंने बोला तो पूरे सम्मान के साथ कहा। मैं तीरथ सिंह रावत से फोन करते बात करूंगा कि आखिरकार इस तरह की बेसिर पैर की बात करने की क्या जरूरत थी। किशोर उपाध्याय ने कहा कि किसी भी बयान में इतना आपा नहीं खोना चाहिए कि आप कुतर्क बातें बोल जाएं। लगता है कि हार से झन्नाटे भरी चोट लगी है भाजपा को, इसलिए वो सुदबुद्ध होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। तीरथ के अखाड़े की बात पर किशोर ने कहा कि हम हिंसा पर विश्वास नहीं रखते। कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसका कोई संदर्भ ना हो, पहली बात। और आपको इतना भी जो है उद्वेलित नहीं होना चाहिए, इतना भी आपा नहीं खोना चाहिए कि आप बिना तर्क की कुतर्क बातें करने लगें।